डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th बीटीसी के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, यानी कि हम लोग क्लास 10th बीटीसी के बायोलॉजी का दूसरा अध्याय, दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है नियंत्रण एवं समन्वय, इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली इसके पहले जो है हम लोगों ने पहला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ाई कर लिया हुआ है, स्टडी कर लिया है जैव प्रक्रम के बारे में, और आप सभी को जो है जैव प्रक्रम का प्रश्नावली होमवर्क के रूप में दिया गया है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने जैव प्रक्रम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबको बना लिया होगा। जैव प्रक्रम के प्रश्नावली में जितने प्रश्न होंगे उन सभी को डेट वाइज अपने नोटबुक के अंदर में बना लिया होगा, जब स्कूल खुलेगा तो उसे चेक किया जाएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग क्लास 10th बीटीसी का दूसरा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी के अंदर में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे एग्जाम के दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो शीर्षक है नियंत्रण एवं समन्वय, इसको हम समझते हैं कि ये नियंत्रण एवं समन्वय आखिर होते क्या है। तो जब बात करते हैं हम लोग नियंत्रण का, तो वैसे तो आप लोग नॉर्मली जो है समझ पा रहे हो नियंत्रण कहने का मतलब कंट्रोल, कंट्रोल कहने का मतलब होता है किसी चीज को जो है हम अपने मन के अनुसार चलाते हैं, मन करे तो उसको बढ़ाना, उसको घटाना, उसको रोक देना, उसको जो है स्टार्ट करना। तो बिल्कुल वही होता है नियंत्रण हमारे बॉडी के अंदर में भी, यानी कि हम नियंत्रण को डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी जीव के अंदर में, या फिर कह सकते हैं किसी जीव का वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने शरीर के अंदर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को स्टार्ट करता है, या फिर उनके दर को बढ़ाता है, उनके दर को घटाता है, या फिर उनको रोक देता है, तो यही कैपेसिटी, यानी कि यही जो है क्षमता कहलाता है नियंत्रण। एक दूसरे तरीके से हम ये बता सकते हैं कि नियंत्रण किसी जीव के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाओं को स्टार्ट करना, उनके दर को बढ़ाना या उनके दर को घटाना या उनको रोक देने का कैपेसिटी है। तो ये भी एक डेफिनेशन आप बता सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं समन्वय का कि समन्वय क्या होता है। तो समन्वय को हम लोग बता सकते हैं किसी जीव के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाओं का तालमेल, यानी कि जो है एक साथ अलग अलग क्रियाओं को करने की क्षमता को हम लोग समन्वय कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि जब आप इस वीडियो लेक्चर को आप देख रहे हो तो आप जो है अपनी आंखों से देख रहे हो कि मैं कैसे कैसे यहाँ पे चीजों को दर्शा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आप लोगों को। दूसरी बात ये कि आप कानों से सुन भी रहे हो, तो ये दोनों ही क्रियाएं जो है एक दूसरे के साथ साथ हो रही है, तो ये जो है हमारा समन्वय का क्रिया हो गया। यानी कि शरीर के एक से अधिक अंगों का एक साथ मिल करके कार्य करना, ताकि जो है कुछ विशेष रिजल्ट निकल पाए, कुछ विशेष रिजल्ट जो है वो हमें प्राप्त हो सके, तो ये कहलाता है समन्वय। यानी कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया है कि किसी काम को जो है, किसी काम के दर को जो है घटाना, बढ़ाना, उसको रोकना या फिर स्टार्ट करने का कैपेसिटी नियंत्रण है, तो वहीं अलग अलग कामों को एक साथ करने का जो कैपेसिटी होता है, या फिर अलग अलग कामों को जो है एक साथ करना ही कहलाता है समन्वय। तो यही दोनों जो है टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर में कवर करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो डेटा है वो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ही जान लेते हैं। जैसा कि मैंने नियंत्रण और समन्वय तो बता दिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लेकर के, इस चैप्टर को लेकर के। तो इनके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, उनके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अनुक्रिया क्या होता है, और इसके अलावा जो हम लोग जानेंगे कि उद्दीपन क्या होता है, और इसके अलावा जो है हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण और सजीव का जो एक दूसरे के साथ में अनुक्रिया और उद्दीपन का क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उद्दीपन क्या होता है। ठीक है, तो देखो पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश है, उष्मा है, ठंडा है, ध्वनि है, सुगंध है, स्पर्श है, ये सभी जो है अनुक्रिया उद्दीपन कहलाते हैं। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये ध्यान रखो कि सभी जीव, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो सभी के सभी जो है, एक सेकेंड, तो मैंने आप सभी को यही बताया कि
जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, वो सभी के सभी पर्यावरण में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों का जो है अनुक्रिया करते हैं। हालांकि कुछ का अनुक्रिया जो हमें दिखाई देगा, कुछ का हमें अनुक्रिया नहीं दिखाई देगा, लेकिन अनुक्रिया सभी जीव करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मैंने आप सभी को बताया है कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं वो अपने पर्यावरण में, अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास में होने वाले परिवर्तनों का अनुक्रिया करते हैं, यानी कि उसका जवाब देते हैं, उसका वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्लाई करते हैं। तो ये अनुक्रिया हो गया, यानी कि किसी काम का जो है रिप्लाई करना, जो भी हमारे आसपास में चेंजेज हो रहे हैं उन सब का रिप्लाई करना जो है हो गया अनुक्रिया। अब बात करते हैं कि उद्दीपन क्या है। तो देखो, पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुसार सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश है, ऊष्मा है, ठंडा है, ध्वनि है, सुगंध है, स्पर्श है, ये सभी जो है उद्दीपन है जो कि हमारे आसपास में चेंज होते हैं। जैसे कि देखो, हम जहाँ पर हैं, आप इमेजिन करो कि वहां पर जो है अचानक से जो है लाइट आता है। तो अचानक से लाइट आएगा तो फिर आपके बॉडी जो है रेस्पॉन्ड करेंगे, यानी कि आपकी जो आंखें होंगी वो अचानक से बंद हो जाएंगी क्योंकि तेज प्रकाश आया। इसी प्रकार से ऊष्मा, अचानक से जो है आपको गर्मी जब महसूस होगा तो आप जो है वहां से हाथ हटा लोगे। तो आपने क्या किया, आपके आसपास में चेंज क्या हुआ, आपके आसपास में पहला चेंज हुआ कि प्रकाश जो है आपका अचानक से बढ़ गया। दूसरा कंडीशन में आपके आसपास में क्या बदलाव हुआ, आपके आसपास में बदलाव हुआ कि ऊष्मा जो है आपका ज्यादा बढ़ गया। तो ये आपका उद्दीपन हो गया जो कि प्रकाश है या फिर ऊष्मा है। और आपने इन सभी का क्या किया, प्रकाश जो उद्दीपन है इसका आपने उत्तर दिया आंखों को बंद करके। तो वही ऊष्मा जब बढ़ा तो उसको जो है आपने उत्तर दिया हाथों को हटा करके। जब ठंडा है तो फिर आपके शरीर में जो है कुछ कपकपी सा होगा, तो ये जो है आपने महसूस, इसका जो है आपने कपकपी जो है वो आपका रिस्पॉन्ड है, यानी कि वो आपका अनुक्रिया है जो कि ठंडी के लिए आपने दिया। ठंडी क्या है, तो वो एक उद्दीपन है। इसी प्रकार से सुगंध होता है, स्पर्श है, तो कोई चीज जो है आपका टच करता है तो आप वहां से हटते हो या फिर जो है वहां पे रहते हो, तो ये आपका जो है अनुक्रिया हो गया, उद्दीपन स्पर्श हो गया। और सुगंध जब आपको मिलता है तो फिर वहां पे जो आप रहना पसंद करते हो, तो ये आपका जो है अनुक्रिया हो गया सुगंध के प्रति, सुगंध जो है वो एक उद्दीपन हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तमाम बातें जो आपको समझ में आ गया है अच्छी तरीके से, कि उद्दीपन क्या होता है और अनुक्रिया क्या होता है, और ये जो उद्दीपन है, जितने भी उद्दीपन होते हैं उन सभी का सजीव जो है वो आपका जो है रिप्लाई करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। आगे ध्यान दो कि पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जंतु ही करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मानव ही करते हैं, बल्कि जो पौधे होते हैं वो भी जो है लाइट हो या फिर उष्मा हो, ठंडी हो, ठीक है, या फिर जो भी हो स्पर्श वगैरह, तो इन सब का जो है वो भी अनुक्रिया करते हैं, वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं करते हैं तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ लोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से पौधे जो है वो उद्दीपनों का वो भी जो है रेस्पॉन्ड करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। तो देखो, यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है कि यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों के द्वारा किया जाता है, और वे दो मुख्य तंत्र हैं तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो जंतु होते हैं उनमें जो है आपका जो समन्वय और नियंत्रण का बात है, तो ये दो महत्वपूर्ण तंत्रों के द्वारा होता है, और वो है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अब हम लोग जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि नियंत्रण और समन्वय ये दोनों ही प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो तंत्रिका के द्वारा और पेशी ऊतक के द्वारा जो है आपका किया जाता है, यानी कि प्रदान किया जाता है। आगे बताया जा रहा है कि तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स कह सकते हैं हम लोग। तो तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स या फिर तंत्रिका कोशिकाओं के एक संगठित जाल का बना हुआ हो है या फिर बना हुआ होता है, और यह जो है सूचनाओं को विद्युत आवेग, यानी कि जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा जो है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक लेके जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसका डेफिनेशन आप लोग ध्यान रखेंगे। तंत्रिका तंत्र का डेफिनेशन आप लोग बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिकाओं का
एक संगठित जाल होता है जो कि सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में या फिर विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक लेके जाता है। तो ये तंत्रिका तंत्र का डेफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग आगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, और वो है रिसेप्टर यानी ग्राही के बारे में। तो जानते हैं कि ग्राही क्या होते हैं। देखो, ग्राही के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्राही तंत्रिका तंत्र के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो कि वातावरण से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं या फिर सूचनाओं का पता लगाते हैं। तो ये आप लोग जो है ग्राही का डेफिनेशन याद रखेंगे। मैंने क्या बताया, मैंने बताया है कि ग्राही जो होते हैं वो तंत्रिका तंत्र के स्पेशलाइज्ड इंड होते हैं, स्पेशलाइज्ड जो है आपके छोर होते हैं जो कि वातावरण से हमारे आसपास में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी उद्दीपन होते हैं, तो उन सभी उद्दीपनों का जो है ये इंफॉर्मेशन का पता लगाते हैं। तो ये होते हैं आपके जो है ग्राही। अब देखो आगे बताया जा रहा है कि ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, और ज्ञानेंद्रिय तो आप लोग जानते हो कि ज्ञानेंद्रिय जो है वो पांच होते हैं, और कौन कौन से होते हैं तो एक बार फिर से यहाँ पर जो है मैं रिपीट कर देता हूँ और बता देता हूँ कि वो पांच जो है आपके हो जाएंगे। पहला हो जाएगा कान, दूसरा है आंख, तीसरा है त्वचा, इसके अलावा जो है आपका हो जाएगा नाक, और इसके अलावा जीभ। तो ये पांच तो होते हैं, इनमें से एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन सा काम करते हैं। जैसे कान का काम क्या है, कान का काम है सुनना। इसके अलावा शरीर का संतुलन, जिस प्रकार से हम आवाज को सुनते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम अपने शरीर को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आंख का, तो आंख का क्या कार्य है, आंख का कार्य है प्रकाश को ग्रहण करना और साथ साथ देखना। तो ये जो है प्रकाश को ग्रहण करता है और साथ साथ जो है ये देखने का कार्य करता है। त्वचा का बात करेंगे तो इसका तीन मुख्य कार्य हो जाएगा। एक हो जाएगा ताप को ग्रहण करना, और साथ साथ गर्म है कोई चीज या फिर ठंडा है इसको महसूस करना, और टच यानी कि स्पर्श करना, यानी कोई भी चीज जो है वो फिजिकली हमारे बॉडी से जो है लगा हुआ है इस बात को महसूस करना, ये हो गया त्वचा का काम। अब बात करते हैं हम लोग आगे नाक के बारे में, जो कि ज्ञानेन्द्रिय चौथा ज्ञानेन्द्रिय हो गया। तो नाक का जो मेन काम है वो है घ्राण ग्राही, यानी कि जो है ये सुगंध का पता लगाता है, गंध का पता लगाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये नाक का कार्य हो गया। अब बात करते हैं पांचवा और लास्ट जो ज्ञानेन्द्रिय है यानी कि जीभ, इसके बारे में। तो जीभ जो होता है वो रस संवेदी ग्राही है, यानी कि जो है ये रस में जो भी संवेदना होता है उसको ग्रहण करता है, यानी कि स्वाद का ये पता लगाता है। ठीक है, तो ये आपके जो है पांच ज्ञानेन्द्रिय थे, और उनके अंदर में जो है कुछ ग्राही होते हैं, यानी कि जो है इनमें कुछ जो है रिसेप्टर होते हैं, कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करके बता देता हूँ आप लोगों को स्टार्टिंग से। देखो, कान का बात करेंगे तो कान चूंकि सुनने का काम कर रहा है, शरीर को बैलेंस करने का काम कर रहा है, तो इसके अंदर में जो है कुछ ऐसी कोशिकाएं, कुछ ऐसी ग्राही होंगी जो कि इन दोनों ही प्रकार के सूचनाओं का पता लगाएंगे। वैसे ही आंख का बात करेंगे तो चूंकि ये देखने का कार्य कर रहे हैं, प्रकाश को ग्रहण कर रहे हैं, तो इसके अंदर में जो है आपका प्रकाश ग्राही जो है आपके रिसेप्टर यानी कि प्रकाश ग्राही पाए जाएंगे। ग्राही मतलब कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ऐसी कुछ कोशिकाएं जो कि सूचनाओं को ग्रहण करती हैं, वो ऐसी कोशिकाओं को हम लोग रिसेप्टर कहते हैं यानी कि ग्राही कहते हैं। तो कान का आपने देख लिया कि सुनना या फिर शरीर के संतुलन के लिए इसमें जो है ग्राही पाई जाती है कानों के अंदर में, और आंख के अंदर में प्रकाश के ग्रहण के लिए और देखने के लिए जो है रिसेप्टर पाए जाते हैं यानी कि कोशिकाएं पाई जाती हैं। और त्वचा के अंदर बात करेंगे तो ताप को ग्रहण करने वाले, गर्म और ठंडा का पता लगाने वाले, स्पर्श का पता करने वाले जो है ग्राही पाए जाते हैं यानी कि रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नाक के बारे में। तो देखो, नाक में चूंकि घ्राण का बात हो रहा है या फिर गंध का पता लगाने का बात हो रहा है, तो इसमें जो है घ्राण ग्राही होंगे, गंध का पता लगाने वाले हैं, पता लगाने वाले सॉरी ग्राही होंगे यानी कि रिसेप्टर होंगे। वहीं जीभ का बात करेंगे तो चूंकि ये जो है रस का जो है संवेदना प्रकट करते हैं, बताते हैं, सूचना बताते हैं, और स्वाद का भी पता लगाते हैं, तो स्वाद को पता करने वाले रस संवेदी ग्राही जो है जीभ के अंदर में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में, कि ये तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि तंत्रिका कोशिका जो है वो होती क्या है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका डायग्राम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी जो है संरचनाएं देखने को हमें मिलती हैं। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन के बारे में कि यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, ये इसका परिभाषा हो गया। आप याद रखेंगे कि
तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं या फिर न्यूरॉन कहते हैं, जिसका कि डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हो। ये जो है आपका न्यूरॉन का डायग्राम दिया गया है। अब इस डायग्राम के अंदर में क्या क्या चीजें हैं मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो द्रुमिका। द्रुमिका क्या होता है? द्रुमिका के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसी संरचना जो कि सूचना प्राप्त करती है द्रुमिका कहलाती है। यानी कि देखो यहाँ पर ये यह हो गया कोशिका काय। ये जो आपको ब्लू दिख रहा है, यहाँ पर ये जो ब्लू दिख रहा है ये है आपका कोशिका काय। तो कोशिका काय का पतला वाला भाग, यहाँ पे ये पतला हो गया है ना आकर के, तो पतला वाला भाग जो कि सूचनाओं को ग्रहण करता है और ये काफी पेड़ की तरह झकड़ा झकड़ा आपको दिखाई देगा, तो ये जो है आपका द्रुमिका हो गया। जैसा कि यहाँ पे बताया जा चुका है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपसे कोई पूछता है कि द्रुमिका क्या है तो आप बताएंगे कोशिका काय से, ठीक है, निकलने वाली धागे नुमा जो संरचनाएं होती हैं जो कि सूचनाओं को एकत्रित करती हैं, सूचनाओं को सॉरी प्राप्त करती हैं, उनको हम लोग द्रुमिका कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा द्रुमिका क्या है, जो कि यहाँ पर डेंड्राइट यानी कि द्रुमिका है, यहाँ पर द्रुमिका है, ये है द्रुमिका, ये जो धागे नुमा संरचना दिखाई दे रहा है जो कि कोशिका काय से निकला हुआ है और ये सूचनाओं को ग्रहण करता है, यही आपके जो है द्रुमिका कहलाते हैं। तो आपने देखा सबसे पहले कि जो बाहर से दिखाई दे रहा है वो है आपका द्रुमिका। इसके बाद करते हैं कोशिका काय क्या है। तो देखो यहाँ बताया जा रहा है कि प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। ये तो बात सही है, लेकिन ये कहाँ से जो है आपका स्टार्ट होता है, विद्युत आवेग के रूप में कहाँ ये कन्वर्ट होता है, तो ये आपका जो है कोशिका काय में कन्वर्ट होता है। तो देखो यहाँ पर द्रुमिका से जो भी जो भी जो है सूचनाएं एकत्रित की गई हैं ये जब कोशिका काय के अंदर में आती हैं तो यहाँ से जो है इनको विद्युत आवेग के रूप में बदल दिया जाता है और यहाँ से जो है ये विद्युत आवेग के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो ये आपका कोशिका काय हो गया जिसके अंदर की सूचना जो है विद्युत आवेग के रूप में बदलता है। अगला है तंत्रिकाक्ष। तो बात करते या फिर एक्सॉन, तो देखते हैं कि तंत्रिकाक्ष क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है। जैसे कि यहाँ बताया गया कि सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वो है तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन। चलिए इस डायग्राम में समझाता हूँ। यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने बताया कि ये डेंड्राइट है जो कि आपका धागेनुमा संरचना होता है, कोशिका काय से निकला होता है, सूचनाओं को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है और फिर जो है रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद ये ट्रांसफर करता है किसको, कोशिका काय में। अब जब कोशिका काय में आता है सूचना तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है आपका जो है किसमें, तो ये चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। तो इलेक्ट्रिक ये आपका जो है इम्पल्स हो गया और इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है ये एक पतला जो है नलीनुमा संरचना कह सकते हैं, पट्टी के जैसा संरचना होता है, बेंड होता है, तो उसके माध्यम से जो है ये आगे की तरफ में बढ़ता है, इसी को हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। अब इस तंत्रिकाक्ष के माध्यम से क्या होता है कि एक ये जो न्यूरॉन है इससे ये जो है दूसरे एक यहाँ पर जो न्यूरॉन रहेगा, यहाँ पर जो न्यूरॉन रहेगा दूसरा, इस न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स रहेगा उसमें जो है जा करके ये आपका जो है ट्रांसफर कर देगा सूचनाओं को। तो एक न्यूरॉन में से, ये न्यूरॉन नंबर मान लो कि एक हो गया, तो ये यहाँ पे जो है आपका दूसरा ये मैं बना रहा हूँ न्यूरॉन, ठीक है, तो ये दूसरा न्यूरॉन हो गया। तो दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है अंतर गर्थन यानी कि सिनेप्स क्या होता है। तो सिनेप्स मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि देखो जो तंत्रिका का अंतिम सिरा है, एक तंत्रिका का, जैसे ये एक नंबर जो तंत्रिका है ना यहाँ पे जो डायग्राम में आपको पहले से दिया हुआ था, तो इसका जो ये अंतिम सिरा हो गया, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है अंतिम सिरा, ठीक है, एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका का शुरुआती सिरा यानी कि ये वाला सिरा। तो ये दोनों जो मैं बना रहा हूँ इनके बीच का जो भाग होता है ना यानी कि ये वाला हिस्सा, इसी को बोलते हैं हम लोग सिनेप्स या फिर अंतर्गर्थन। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखना, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें समझ में आ रही है, नहीं तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। चलिए पहले तो हम लोग थ्योरेटिकली यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को जो है डायग्राम के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखो अंतर्गर्थन के बारे में यहाँ पे बताया गया कि यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचारित हो सके। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, चलिए इसको मैं समझाता हूँ। देखो ये एक तंत्रिका हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका एक तंत्रिका कोशिका हो गया, पहला तंत्रिका कोशिका। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आपका जो है मैं दूसरा तंत्रिका कोशिका, एक सेकेंड सॉरी, चलो
तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक मिनट थोड़ा सा दिक्कत हो रहा। थोड़ा सा माउस से बनाने में जो है दिक्कत तो होता ही है, आप लोग समझ सकते हो। तो ये एक दूसरा तंत्रिका हो गया यहाँ से, ओके। तो ये और ये दूसरा तंत्रिका जो है एक्सॉन हो गया, ये यहाँ पर जो है दूसरे कोशिका का यहाँ पे एक्सॉन है, ओके। चलो यहाँ पर इस दूसरे कोशिका का जो है न्यूक्लियस हो गया। यहाँ से अब क्या हुआ है कि ये जो कोशिका काय है, ठीक है, तो यहाँ से जो है बहुत सारे द्रुमिका निकले हुए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर मैं डायग्राम बना के भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ से हो गया एक दूसरा द्रुमिका, ओके। यहाँ पे भी ये द्रुमिकाएं हो गई, ठीक है, यहाँ पे ये द्रुमिका, यहाँ पर भी ये द्रुमिका, ओके। तो यहाँ पे जो है ये मान लो कि ये दूसरा कोशिका है। तो अब क्या है कि पहला जो कोशिका है, देखो यहाँ पे क्या 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 कहा गया था कि एक तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरा, अंतिम सिरा क्या हो गया, ये अंतिम सिरा जो मैंने डॉट बनाया, ये अंतिम सिरा जो कि मैंने डॉट बना दिया, यहाँ पे एक अंतिम सिरा जो कि डॉट बना दिया, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, तो ये जो डॉट डॉट में बना रहा हूँ ये अंतिम सिरा हो गया एक कोशिका का, यानी पहली कोशिका का, ठीक है। अब दूसरी कोशिका का बात करते हैं। दूसरी कोशिका का देखो यहाँ पे जो मैं डॉट बना रहा हूँ ये आपका जो है अगला जो तंत्रिका कोशिका है उसके द्रुमिका का जो है शुरुआती पॉइंट है, ठीक है। तो ये दूसरे कोशिका का जो है एंड पॉइंट, शुरुआत का एंड पॉइंट हो गया, पहला छोर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो खाली जगह आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर जो आपको खाली जगह यहाँ पे दिख रहा है, तो यही जो खाली जगह है ये सब, ये सारे के सारे जो है सीनेप्स कहलाते हैं। अब ध्यान ये देना है कि सबसे पहले यहाँ पे फिर से एक बार ध्यान देना आप लोगों को कि सबसे पहले जो है बाहर में जो रिसेप्टर थे उन्होंने क्या कर दिया कि जो सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा, सॉरी, रिसीव किया। रिसीव करने के बाद से यहाँ पर द्रुमिका के माध्यम से जो है ये आ गया कहाँ पर, तो ये आ गया आपका जो है कोशिका काय के अंदर में। अब जब ये कोशिका काय के अंदर में आ गया, तो कोशिका काय में जब आ गया तो इसके बाद अब क्या होता है, यहाँ से जो है ये चेंज होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में, और इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में ही जाता है इस कोशिका काय से, इस एग्जॉन से होते हुए आपका जो है यहाँ पर जो सिनेप्टिक नोब्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पर रेड रेड जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाया ना, उनको हम लोग सिनेप्टिक नोब्स कहते हैं। तो यहाँ पर तो आ गया ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, लेकिन दूसरे तंत्रिका कोशिका के अंदर में जाने से पहले जो है ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो खाली जगह है, तो खाली जगह में तो ये इम्पल्स जाएगा नहीं, बिजली तो आप लोग तो जानते हो ना खाली जगह से नहीं जाता है। तो वैसा ही आप लोग समझ लो कि यहाँ पर जो ये सिग्नल है, ये इम्पल्स के इम्पल्स जो है ये सिग्नल है एक, और ये जो है आपका बिना किसी माध्यम का नहीं जा सकता है, ये खाली जगह से होकर के नहीं जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि सिनेप्टिक जो नोब होता है यहाँ से ये चेंज हो जाता है आपका जो है रासायनिक पदार्थ में, यानी कि केमिकल में चेंज हो जाता है, और यहाँ से जो है केमिकल के रूप में ही ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर में ट्रांसफर होता है, यानी कि एक न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोब से निकल करके केमिकल के रूप में ये जो सूचना होता है ये पहुंचता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, यानी कि जो है द्रुमिका के अंदर में। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होता है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती क्रिया का अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए प्रत्यावर्ती क्रियाएं क्या होती हैं। अच्छा, एक चीज और है, चलो ठीक है, हालांकि मैं इसको समझा देता हूँ, हालांकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो इस वजह से जो है मेरा तो मन था छोड़ने का, बट इसको भी मैं प्रत्यावर्ती क्रिया को भी मैं पढ़ा देता हूँ, और उसके बाद से हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करेंगे और अगले दिन जो है हम लोग फिर पढ़ेंगे। सॉरी, कुछ दिक्कत आ रहा है, ओके। चलो चलो, तो क्या हो गया, चलो प्रत्यावर्ती क्रिया के बारे में बात करते हैं। प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है इसके बारे में, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रत्यावर्ती क्रिया कहलाती है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, यानी कोई अगर उद्दीपन है, कोई जो आपका स्टिमुलाई है उसके अगेंस्ट में
अगर हम बहुत ही क्विक, बहुत ही मतलब तेज रिस्पॉन्स करते हैं, सडन रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि उत्तर देते हैं उसका, तो ये कहलाता है प्रत्यावर्ती क्रिया। जैसे कि कभी आपका हाथ जला होगा तो आप तुरंत हाथ हटाए होंगे, तो वो जो है बिना सोचे समझे, उस समय आप सोचने नहीं गए हैं कि मेरा हाथ जल रहा है, मैं हटाऊं या नहीं हटाऊं, बिना कुछ सोचे समझे जो है हम अचानक से क्या करते हैं कि हाथ हटा देते हैं, तो ये एक प्रत्यावर्ती क्रिया हो गया। जब कोई छोटा सा कण जो है आपकी आंखों की तरफ में आता है, तो उस समय आप सोचने नहीं जाते हो, तुरंत जो है आपका पलक झपक जाता है। तो यहाँ पर बिना सोचे समझे क्रिया की गई है, बहुत ही तेज और अचानक क्रिया की गई है, अनुक्रिया की गई है, तो ये जो है आपका प्रत्यावर्ती क्रिया कहलाएगा। और एग्जाम्पल मैंने दो दो दे दिया है, यहाँ पे भी एक उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटना हटा लेना अचानक से, ये कहलाता है प्रत्यावर्ती क्रिया। यानी कि ये प्रत्यावर्ती क्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम लोग किसी गर्म वस्तु को छूते हैं अनझट के, मतलब कि अचानक से छू देते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है, और अगर टच हो जाता है तो हम तुरंत ही क्या करते हैं कि अपने हाथ को जो है पीछे की तरफ में हटा लेते हैं, तो ये एक प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण हो गया। प्रत्यावर्ती क्रिया के बारे में बात करते हैं, देखो सॉरी प्रत्यावर्ती चाप के बारे में बात करते हैं। तो प्रत्यावर्ती क्रिया के दौरान में विद्युत आवेग जिस पथ से, यानी कि जिस रास्ते से होकर के गुजरता है, चलता है, उसी को हम लोग प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं। जैसा कि इस स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ सकते हो। जैसे कि देखो, सबसे पहले उद्दीपन एक लिया गया है जो कि है ऊष्मा। अब ये जो उद्दीपन है ऊष्मा, ये हमारे ग्राही अंग यानी कि त्वचा यानी कि स्किन के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर में सूचना जाता है, और फिर ये पहुंचता है हमारे मेरुरज्जु तक यानी कि स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर वहां से जो है ये जो काम करने वाली, ठीक है, काम करने वाली जो पेशी अंग होती है वहां पर ये मेरुरज्जु जो है ऑर्डर भेजता है, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे, देखो ये संदेश जो है ब्रेन तक नहीं गया है, ये जो है आपका दिमाग तक सूचना गया ही नहीं है ताकि वो ब्रेन सोचेगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक ही गया है, और स्पाइनल कॉर्ड से ही ये वापस ऑर्डर आ गया है कि तुरंत जो है अनुक्रिया के रूप में जो है हाथ को पीछे हटा लेना है। तो ये जो विद्युत आवेग हमारे ग्राही अंग से होते हुए मेरुरज्जु तक, और मेरुरज्जु से होते हुए जो है ये कार्यकर अंग पेशियों तक पहुंचा हुआ है, तो ये जो पाथवे है ये कहलाता है प्रत्यावर्ती चाप। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अनुक्रिया के प्रकार के बारे में। तो अनुक्रिया की जो है तीन प्रकार होती है, और वो है ऐच्छिक, जो कि अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे कि बोलना और लिखना हो जाएगा। दूसरा है अनैच्छिक, जो कि मध्य और पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे कि श्वसन है, दिल का धड़कना है। प्रत्यावर्ती क्रिया जो कि मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे कि गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को वापस हटा लेना। अब बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती क्रिया की आवश्यकता क्या होती है। उसके पहले मैं एक बार रिपीट कर दूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ऐच्छिक और अनैच्छिक और प्रत्यावर्ती क्रिया। एक बार फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पहला था ऐच्छिक क्रिया, ठीक है। तो ऐच्छिक क्रिया वो होती है जो कि हमारे कंट्रोल में होती है, जो हमारे इच्छा के अधीन होती है, जैसे कि बोलना, हमारा मर्जी करेगा तो हम बोलेंगे, या फिर हम चाहे तो नहीं बोल सकते हैं, तो उस पर हमारा कमांड है। हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जब मर्जी तब हम रोक सकते हैं, तो ये हमारी इच्छा के अधीन क्रिया होता है, तो ये कहलाता है ऐच्छिक अनुक्रिया, ठीक है। और ऐच्छिक अनुक्रिया जो है वो अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और जब मैं मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा, ब्रेन के बारे में पढ़ाऊंगा, तो अग्र मस्तिष्क कहाँ होता है, कैसा होता है, ये मैं आप लोगों को जो है बताऊंगा। तो ऐच्छिक क्रिया आपने जान लिया, ऐच्छिक अनुक्रिया जान लिया, जो कि हमारे इच्छा के अधीन होते हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसे हम कर सकते हैं, तो वो आपका जो है ऐच्छिक क्रिया होती है, जैसे कि बोलना, लिखना, चलना, दौड़ना, ये सभी जो क्रियाएं हैं, डांस करना, ये सभी जो क्रियाएं हैं, ये सभी जो है ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो कि हमारे इच्छा के अधीन कार्य करती है, और ये अग्र मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल की जाती है। जस्ट इसके विपरीत अनैच्छिक क्रिया, जो कि हमारे इच्छा के अधीन नहीं होते हैं, तो ये जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा श्वसन। जैसे कि आपका श्वसन जो है, श्वसन कहने का मतलब हो गया आप सांस लेना और बंद करना, सांस लेना और छोड़ना, इतना ही नहीं बल्कि आपके शरीर के कोशिकाओं के अंदर में जो श्वसन हो रहा है वो प्रक्रिया आपके कंट्रोल में नहीं है। दिल का धड़कना ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इसको आप नहीं रोक सकते हो। तो ऐसी क्रिया, या फिर पाचन हो गया, ठीक है, तो ये पाचन है, या फिर जो है यूरिन का बनना, एक्सक्रीशन हो गया, तो ये सब जो प्रक्रिया है ये आपके इच्छा के अधीन नहीं है, ये जो है
ऑटोमेटिकली होती रहती है बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी को जिस प्रकार से जरूरत होता है वो ऑटोमेटिकली होते रहता है। तो ये आपकी इच्छा के अधीन नहीं होती है क्रियाएं, तो ये कहलाती हैं अनैच्छिक क्रियाएं, और इनका जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, ये होता है मध्य और पश्च मस्तिष्क के द्वारा। और तीसरा है प्रत्यावर्ती क्रिया, जो कि मेरुरज्जि के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये जो है बहुत ही अचानक होता है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस पर भी हमारा नियंत्रण ना के बराबर ही होता है, ये जो है ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो गर्म वस्तु को छूते हैं तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं अचानक से, तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा प्रत्यावर्ती क्रिया का। बात करते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि गर्म वस्तु को छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि, हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है। तो अब देखो बातों को समझो, जैसे कि यहाँ पर ये एक व्यक्ति हो गया, ओके। तो इस व्यक्ति का यहाँ पे मान लो कि एक सिंबल के रूप में जो है मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। तो अभी मान लो कि इस व्यक्ति को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है गर्म वस्तु को छूने पर, तो इसका ये हाथ हो गया, ओके। अब इसका जो हाथ है किसी कारणवश क्या हुआ कि यहाँ पर जो है एक गर्म कोई वस्तु था, अब ये जो गर्म वस्तु है इसके हाथ से टच हो गया। जब ये टच हुआ तो यहां से, एक सेकेंड वेट करो, चलो मैं बता रहा हूँ। देखो अब यहां से, अब ये ऊष्मा का जो है रेस्पॉन्स, यानी ऊष्मा का जो आपका क्या बोलते हैं, जो सूचना है, वो आपका पहुंचेगा यहाँ पर कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड उसको लेके जाएगा ब्रेन में, तो काफी टाइम लगेगा ना। अगर ब्रेन में जा रहा है तो काफी टाइम लग रहा है, लेकिन अगर ये स्पाइनल कॉर्ड ही उसको ऑर्डर दे देता है तो काफी ये क्विक हो जाएगा। तो यही कारण है कि हम चूंकि मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से ही अनुक्रिया इसलिए यहाँ पर दे दिया जाता है, उत्पन्न कर दिया जाता है, ताकि समय कम लगे, क्योंकि बहुत ही कम समय में हमें तुरंत ही एक एक्शन लेना होता है, तुरंत ही जो हमें रिस्पॉन्ड करना होता है, ताकि जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा क्षति नहीं हो। दूसरे एक एग्जाम्पल से हम लोग फिर से समझते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में आप लोग समझ सकते हो। चलो देखो, मान लो कि यहाँ पर हमने बात किया था हाथ में, अब बात करते हैं कि हम लोगों ने देखा, एक मिनट वेट करो। चलो तो अब मान लो क्या होता है कि यहाँ पर जो इसका पैर है, इस पैर में एक कोई आपका जो है पैनी वस्तु चुभ जाता है, यानी कि जो है जैसे सुई हो गया, ठीक है, जैसे शीशा वीशा हो गया, तो ये सब क्या होता है कि किसी व्यक्ति के पाँव में जो है आपका चुभ जाता है। अब क्या होगा सोचो, अब इस चुभने का जो दर्द का या फिर जिस भी प्रकार का जो सेंसेशन है, फीलिंग है, सूचना है, ये सूचना जो है जाएगा कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में, कमर के पास में, ठीक है। और यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि मेरुरज्जु से होते हुए अब ये पहुंचेगा ऊपर, जाते जाते जाएगा तो फिर वो जो आपका दिमाग तक पहुंचेगा, फिर दिमाग उसको जो है एनालाइज करेगा, और एनालिसिस करने के बाद से जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा और अपना ऑर्डर भेजेगा फिर पाँव तक। तब तक तो काफी टाइम लग जाएगा, तब तक जो है कील पूरी तरह से चुभ चुका होगा, यानी कि जो कांटा है, पैनी वस्तु है, वो आपका पूरी तरह से चुभ चुका है। तो इस वजह से हम इतना क्रिया नहीं करके हम क्या करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर में क्या होता है कि इस चुभने का जो सूचना है ये पहुंचता है तुरंत ही स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड ही रेस्पॉन्ड कर देता है तुरंत ही कि वहां से जो है पैर को हटा लो, और इस प्रकार से जो है हमारे शरीर को बहुत ज्यादा क्षति नहीं होता है। तो यही कारण है कि प्रत्यावर्ती क्रिया का जो है हमें आवश्यकता पड़ता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया है अच्छी तरीके से। अभी आप लोगों को मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग, या फिर हिंदी में कर सकते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में स्टडी किया, और हमने ये जाना कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुक्रिया क्या है, और क्या सभी जीव उद्दीपन का जो है अनुक्रिया करते हैं, या फिर कुछ ही जीव करते हैं, पौधे करते हैं या नहीं करते हैं, और इसके अलावा मानव में जो हम लोगों ने नियंत्रण एवं समन्वय को स्टार्ट कर दिया है, और इसके अंदर में हमने जाना है कि ऐच्छिक क्रिया क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होता है, प्रत्यावर्ती क्रिया की आवश्यकता क्या होता है, प्रत्यावर्ती चाप क्या होता है, और न्यूरॉन का जो हमने स्ट्रक्चर देखा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, उनका कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या होता है, और सिनेक्टिव
सिनेप्सिस क्या होता है, सिनेप्टिक नोब क्या होता है, तो ये तमाम फैक्ट जो है आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने समझा हुआ है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक बार मैं फिर बोलूंगा कि आप लोग जो है इसका नोट्स बनाते चलेंगे ताकि एग्जाम के समय में आप लोगों को रिवाइज करने में काफी मदद साबित होगा, मददगार साबित होगा आपका नोट्स। तो इसी के साथ एक बार फिर से आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए।